नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। तीगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से आज हर वर्ग दुखी है, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर मजदूर। हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। लोगों ने जिस उम्मीद के साथ केंद्र, प्रदेश व नगर निगम में भाजपा की सरकार बनाई थी, आज लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि न महंगाई कम हुई, न बेरोजगारी। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। विकास के नाम पर केवल झूठे प्रलोभन लोगों को मिले हैं। यही कारण है कि आज हरियाणा में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। कांग्रेस के रूप में प्रदेश में अगली सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। नागर सोमवार को अगवानपुर स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक ने तिगांव क्षेत्र के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में यह क्षेत्र विकास से पूरी तरह अछूता रहा। आज भी कॉलोनियों में रहने वाले लोग बिजली, पानी, सीवरेज व टूटी सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। गाँव में विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा, मानसून आने वाला है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक क्षेत्र के नाले नालियों की सफाई तक नहीं कराई है। इससे कॉलोनी और गांवों की सड़कों पर बरसात में जल भराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द नाले नालियों की साफ सफाई कराए, ताकि लोगों को जल भराव की समस्या से न जूझना पड़े। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।